ذكرو لا مجهز साहब हम तो कहते थे कि इन पार्टियों को हम मेन स्ट्रीमिंग करेंगे इनकी और इनको पॉलिटिकल सिस्टम में लेके आए कोई मिली मुस्लिम लीग बन गई कोई जनाब तहरीक-ए-लब्बैक या रसूलुल्लाह बन गई और कोई कुछ बन गया अब उनको जिन-जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा उनके प्लेटफॉर्म से उनको जो उनके मेन सपोर्टर थे उनको जो उनके फाइनेंसर्स थे उनको पकड़ लिया सरकारी में तो ले लिया अपने। देखें देखें ये ये हमारी और, और है, जी, है। जी, जी। पहली बात तो ये है कि हमें खुद निसारी पे आना पड़ेगा बैगेज के लिए चॉइसिस नहीं हैं वो तो जो फिर उन्हें खाने पीने को देते हैं वो अपनी शराय पे देते हैं वो बैगज की शिकायत पे नहीं देते शराय पे नहीं देते इसलिए एक तो ये हमें खुद निसारी की तरफ बढ़ना पड़ेगा दूसरा ये कि जो हमारे मुल्क का कल्चर है वो सबके सामने है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस जिसपे हम बात नहीं करते लेकिन मसला ये कि जब आप गैर फित्री तौर पर कुछ चीज़ों को डेवलप करते हैं और आप कुछ लोगों का रास्ता रोकने के लिए कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं बढ़ावा देते तो है। बढ़ावा देते हैं तो उसके नतीजे में फिर खैर बरामद नहीं होती खैर बरामद नहीं होती और ये सत्तर साल में तो ये चीज़ साबित होकर सामने आई कि आप देखें कराची के हालात में वहाँ के जो बिल्कुल नेचुरल काम करने वाले लोग थे पॉलिटिकल वर्कर्स थे जब उनको कत्ल किया गया उनको रोका गया उनको काम नहीं करने दिया गया और कुछ लोगों को प्रमोट किया गया तो वो ऐसे गले की हड्डी बने कि जिन्होंने उन्हें प्रमोट किया था ना फिर उन्होंने उन्हीं की पतलून उतारने की बात की थी इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस मुल्क के अंदर अदल इंसाफ